हेलो वेलकम बैक टू अर्जुनल टेक विद एक्सपेरिमेंट्स। तो गाइस यार हम लोगों ने मंगाया ये फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट और आज इस वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो में बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारे पास ये पेपर कटर, इसके अंदर से हम इसको खोलने वाले हैं। तो गाइस से हम इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। यार इसके अंदर है ये ट्राइपॉड स्टैंड जिसकी हेल्प से हम वीडियो शूट कर सकते हैं, जो कि हमारे मोबाइल को स्टेबल रखने का काम करता है। तो इसके साथ यहाँ पे दिया गया ये जो कि हमारे मोबाइल फोन को होल्ड करता है। और ये हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया और यहाँ पर इसको यहाँ से टाइट कर देंगे जिससे कि स्टेबल रहे, इसके किसी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं, मोबाइल यहाँ पर सेट हो सकता है और हम मोबाइल को इस तरह से भी लगा सकते हैं। यहाँ से इसको ओपन करते ही ये यहाँ से ये खुल ऐसे खुलता है ऊपर की तरफ। तो वैसे ये हमारा ट्राइपॉड स्टैंड है जिससे कि हम वीडियो शूट कर सकते हैं, हमारे मोबाइल को स्टेबल कर सकते हैं। और ये लगभग वैसे 3 फुट तक ये ओपन हो सकता है, यहाँ पर इसके लॉक दिए गए हैं जिससे कि ये ओपन हो सकता है। सच में गाइस प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है क्योंकि ये एल्यूमिनियम और प्लास्टिक से बना हुआ है और ये लाइट वेटेड होने के कारण हम इसको कहीं भी कैरी आउट कर सकते हैं। तो गाइज कैसा लगा आपको ये प्रोडक्ट कमेंट करके जरूर से बताएं। और अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं इस प्रोडक्ट में तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाकर आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर ऐसे वीडियो आपको देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।